वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के द्वारा कोतवाली श्रीनगर में निःशुल्क वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 360 जरूरतमंदों को रजाई वितरित की गई। SSP पौड़ी द्वारा जनपद भर में चलाई जा रही सीनियर सिटीजन कार्यक्रम के तहत श्रीनगर में भी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए रजाई वितरित करना था। कार्यक्रम में व्यापार सभा, समाज सेवी, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पुलिस के कार्य को देखते हुए स्थानीय निवासी परवेज अहमद ने भी अगले वर्ष से पुलिस के साथ कार्यक्रम में अपनी ओर से 50 रजाई देकर सहभागिता करने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SSP पौड़ी जगतराम जोशी ने कहा कि अशक्त लोगों की मदद के लिए जनपद भर में रजाई वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 1300 से अधिक रजाइयां वितरित की जाएंगी। देखिए, हम लोग पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं जनपद में। हमारा सीनियर सिटीजन्स का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग हमेशा लास्ट के महीने में सीनियर सिटीजन से मिलने जाते हैं, उनके लिए दवाइयाँ देते हैं, उनके लिए राशन वितरण करते हैं। अभी जाड़े का सीजन चल रहा है, तो हमने पूरे जनपद में लगभग 1300 लोगों को चयन किया है और जिनके लिए हम लोगों ने इस तरह का शिविर हम आयोजित कर रहे हैं। आज हमारा ये 5वां शिविर है और इसके सिवा एक अभी और शिविर लगना है हमारा, जो कि सतपुली में होना है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि कोई भी आदमी सर्दी से किसी की जान ना जाए। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके परिवार के लोग बाग यहाँ नहीं रहता है, तो पुलिस का ये कार्यक्रम है हम लोगों ने जनपद पौड़ी में चलाया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारा ये कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर पाएँ और उनको सुरक्षा दे पाएँ। मैं माननीय SSP महोदय का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से चलाया जा रहा है, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के पास जा रहे हैं। हमने आज तक नेताओं को तो देखा ऐसे काम करते हुए, पर ऐसे अधिकारी भी काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से अधिकारी काम करने लगे तो मुझे लगता है कि कोई गरीब न रहे। संवाद 365 के लिए श्रीनगर से कमल किशोर पिंगोली की रिपोर्ट।